भक्तों को अपना ही खून पिलाता था राम रहीम। इस बूटी से करता था ब्रेन वॉश रेपिस्ट राम रहीम को लेकर आए दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसे डेरे के एक पुराने समर्थक ने किया है। उसने बताया कि राम रहीम एक बूटी से सम्मोहित कर साधुओं का ब्रेन वॉश कर उनको अपने काबू में करता था। इतनी ही नहीं, राम रहीम अपनी उंगली से खून निकालकर शरबत में मिलाकर अपने समर्थकों को पिलाता था, जिसके बाद वे अपने ध्यान से भटक जाते थे। क्या है पूरा मामला? हंसराज ने बताया कि राम रहीम ने इस बूटी को तैयार करने के लिए बाकायदा ट्रेन वैद्य रखे हुए थे। इसी बूटी को खिलाने के बाद ही साधुओं को नपुंसक बनने के लिए तैयार किया जाता था। उसने बताया कि नपुंसक बनाने के लिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम बाबा ने तैयार की हुई थी, जो ऑपरेशन कर साधुओं को नपुंसक बनाते थे। इनमें 13 साल के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के भी होते थे। राम रहीम कहता था कि आप साधु हो गए, इसलिए आपके परमात्मा से सीधे दर्शन होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जानबूझकर रखी थी गुरु गोबिंद सिंह की वेशभूषा। एक मीडिया को दिए बयान में उसने बताया कि 2007 में वो डेरे में था तो उसने देखा कि बाबा जानबूझकर श्री गुरु गोबिंद सिंह की वेशभूषा में आया और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कोशिश की वो किसी अवतार से कम नहीं है। इस दौरान बाबा ने एक जाम इंसान बनाया जिसमें बाबा ने पता से रूआ जा डालकर लेकर आया, जिसमें बाबा ने अपनी उंगली का खून निकालकर उसमें मिलाया, जिसके बाद लोगों का ध्यान भी भटकाया गया। 20 साल की सजा काट रहे हैं गुरमीत राम रहीम। दो साध्वियों के रेप केस में डेरा सचा सौदा प्रमुख राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने राम रहीम पर कुल 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसमें 15-15 लाख रुपए का जुर्माना दो रेप केस के लिए है, 14-14 लाख रुपए दोनों रेप विक्टिम साध्वियों को हर जाने के रूप में देने होंगे। सजा सुनाए जाने पर राम रहीम कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोने लगा था।